यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 34। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 34। जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी सारी सेना समेत और पृथ्वी के जितने राज्य उसके वश में थे उन सबों के लोगों समेत भी यरूशलेम और उसके सब गांवों से लड़ रहा था, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जाकर यहूदा के राजा सिदकिया से कह कि यहोवा यो कहता है कि देख, मैं इस नगर को बाबुल के राजा के वश में कर देने पर हूं और वह इसे फूकवा देगा और तू उसके हाथ से न बच निकलेगा। निश्चय पकड़ा जाएगा और उसके वश में कर दिया जाएगा और तेरी और बाबुल के राजा की चार आंखें होंगी और तुम आमने सामने बातें करोगे और तू बाबुल को जाएगा। तो भी हे यहूदा के राजा सिदकिया, यहोवा का यह भी वचन सुन जिसे यहोवा तेरे विषय में कहता है कि तू तलवार से मारा न जाएगा, तू शांति के साथ मरेगा और जैसा तेरे पितरों के लिए अर्थात जो तुझसे पहले राजा थे उनके लिए सुगंध द्रव्य जलाया गया वैसा ही तेरे लिए भी जलाया जाएगा और लोग यह कहकर कि हाय मेरे प्रभु तेरे लिए छाती पीटेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यह सब वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने यहूदा के राजा सिदकिया से यरूशलेम में उस समय कहे जब बाबुल के राजा की सेना यरूशलेम से और यहूदा के जितने नगर बच गए थे उनसे अर्थात लाकिश और अजेका से लड़ रहे थी, क्योंकि यहूदा के जो गढ़वाले नगर थे उनमें से केवल वे ही रह गए थे। यहोवा का वह वचन यिर्मयाह के पास उस समय आया जब सिदकिया राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में थी यह वाचा बांधी थी कि दासों के स्वाधीन होने का प्रचार किया जाए कि सब लोग अपने अपने दास दासी को जो इब्री व इब्रानी हो स्वाधीन करके जाने दे और कोई अपने यहूदी भाई से फिर अपनी सेवा न कराए। तब तो सब हाकिमों और सारी प्रजा ने यह प्रण किया कि हम अपने अपने दास दासियों को स्वतंत्र कर देंगे और फिर उनसे अपनी सेवा न कराएंगे। सो उस प्रण के अनुसार उनको स्वतंत्र कर दिया गया, परंतु इसके बाद वे फिर गए और जिन दास दासियों को उन्होंने स्वतंत्र करके जाने दिया था उनको फिर अपने वश में लाकर दास और दासी बना लिया। तब यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यो कहता है कि जिस समय मैं तुम्हारे पितरों को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया उस समय मैंने तो आप उनसे यह कहकर वाचा बांधी कि तुम्हारा जो इब्री भाई तुम्हारे हाथ से बेचा जाए उसको तुम सातवें बरस में छोड़ देना, छह बरस तो वह तुम्हारी सेवा करे, परंतु इसके बाद तुम उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने देना। परंतु तुम्हारे पितरों ने मेरी न सुनी न मेरी ओर कान लगाया। तुम अभी फिरे तो थे और अपने अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार करा के जो काम मेरी दृष्टि में भला है उसे तुमने किया भी था और जो भवन मेरा कहलाता है उसमें मेरे सामने वाचा भी बांधी थी, पर अब तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे उन्हें तुमने फिर अपने वश में कर लिया है और वे तुम्हारे दास दासियां फिर बन गए हैं। इस कारण यहोवा यो कहता है कि तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, सो यहोवा का यह वचन है कि सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता तो हूं कि तुम तलवार, मरी और महंगी में पड़ोगे और मैं ऐसा करूंगा कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे और जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े को दो भाग करके उसके भागों के बीच होकर किया परंतु उसे पूरा न किया अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम खो
खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच होकर गए थे, उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा, और उनकी लोथ आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएगी, और मैं यहूदा के राजा सिदकियाह और उसके हाकिमों को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों अर्थात बाबुल के राजा की सेना के वश में जो तुम्हारे सामने से चली गई है कर दूंगा। यहोवा का यह वचन है कि देखो, मैं उनको आज्ञा देकर इस नगर के पास लौटा ले आऊंगा, और वे इसे लड़कर ले लेंगे और फूंक देंगे, और यहूदा के नगरों को मैं ऐसा उजाड़ दूंगा कि कोई उनमें न रहेगा।